हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर चैप्टर थर्ड है जो कि आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। बायोलॉजी की आपका ये 12 क्लास से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर, और इन चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। तो शॉर्ट शॉर्ट्स में मैंने इसमें हाईलाइट कर दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। जितने भी बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फिजियोथेरेपी के लिए, डाइटिशियन के लिए या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके मन में यही ख्याल आता है कि मैं यूट्यूब से एमसीक्यूज कर लूंगी या कर लूंगा तो मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है डियर। 1-2 मार्क्स से रहने पे बहुत ज्यादा अफसोस होती है, साथ में घर वाले के भी ताने बहुत ज्यादा सुनने पड़ते हैं। इसलिए प्लीज, यदि आपको 2024 में बीएससी नर्सिंग या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आप सिलेक्शंस लेना चाहते हैं, थ्योरी जरूर पढ़ें, चाहे वो कोई भी चैनल से पढ़े डियर, लेकिन आपको थ्योरी डेफिनेटली पढ़ना है। साथ में सभी स्टेट के बीएससी नर्सिंग के लिए आपको प्रिपरेशन करवाया जा रहा है इसी चैनल पे, जिसमें आपको स्टेट वाइज, जैसे आपकी यूपी की बात किया जाए, पंजाब की बात किया जाए, हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए, उत्तराखंड की बात किया जाए, तो ये सब में आपका जीके भी, इंग्लिश भी और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ डियर डेली बेसिस पे, जो कि आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन काफी इसमें अपलोड किए गए हैं, जो आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं। डियर, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखें, और जितनी भी फर्स्ट में बातें बताई जाती हैं, जो भी आपके मोटिवेशन के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बताया जाता है डियर, यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये 12 क्लास में भी आप हैं, यदि 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की बात किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है डियर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना, देन हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जानेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, इम्प्लांटेशन के बारे में जानेंगे, इसमें प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, और लास्ट में जो डिलीवरी एंड लैक्टेशन यानी कि पार्चुएशन एंड लैक्टेशन के बारे में जानेंगे। इतने पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे डियर, बिल्कुल शॉर्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, पूरी वीडियो कवर कर, पूरी वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा डियर, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में। यहाँ पे देखिएगा आपके बुक्स में डियर, जब भी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, सबसे फर्स्ट में आपका गैमेटोजेनेसिस है, देन आपका आपका है इंसेमिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन हमारा गैस्ट्रेशन, और लास्ट में हमारा क्या हो रहा है, पार्टुरेशन। इसी पे पूरा चैप्टर आपका पूरा एंड हो रहा है, ठीक है ना। हमारा गैमेटोजेनेसिस किसे कहेंगे, जो आपका रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होगा इन ह्यूमन इंक्लूड, जो फॉर्मेशन करेगा किसको, गैमेट्स को, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। देन हमारा डियर यहाँ पे दैट इज अस्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल में, ट्रांसफर ऑफ अस्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, दैट इज आपका इंसेमिनेशन, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लीडिंग किसको कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है ना। जब हमारा फ्यूज करेगा मेल एंड फीमेल फ्यूजन होगा तो हमारा क्या, जायगोट, एंड उसके बाद फॉलोड बाय फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, अटैचमेंट ऑफ द यूट्राइन वॉल, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहेंगे, देन हमारा गेस्टेशन पीरियड आएगा, उसके बाद हमारा डिलीवरी का पीरियड आती है डियर, बेबी को डिलीवरी यानी कि बर्थ होने का, इसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, जिसमें हमारा गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रही है, सेकेंड में हमारा इंसेमिनेशन हो रहा है, थर्ड में हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स में लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, देन हमारा इसमें क्या हो रहा है, ब्लास्टोसाइट्स एंड अटैचमेंट ऑफ द यूट्राइन वॉल, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, नेक्स्ट हमारा गैस्ट्रेशन होगा, और हमारा लास्ट में हमारा पार्चुरेशन होगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डियर सबसे पहले जो आपका लोकेट है, आपके कहाँ पे लोकेटेड किया गया, पेल्विक रीजन में, ठीक है ना। यहाँ पे इंक्लूड है दो आपका पेयर ऑफ टेस्टिस एलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा टेस्टिस जो है कहाँ पे ये सिचुएटेड है, किस जगह में स्थित है, ठीक है ना। तो हमारा सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन या पॉच, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम, ओके। यहाँ पे आप डायग्राम भी देखेंगे डियर स्क्रोटम का, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बता रहा है कि टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द
एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में विद इन या पॉच दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों है डियर, यहाँ पे भी क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में नीट में पूछा हुआ, बीएससी नर्सिंग में भी पूछा हुआ। तो स्क्रोटम हेल्प करेगा मेंटेनिंग ए लो टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 बिलो रहता है, ठीक है ना, कम रहता है सेल्सियस। तो ये याद रखिएगा कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से कितना कम रहता है, 2 to 2.5 मतलब सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है ना, सेल्सियस, तो लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे डियर आपका, जो यहाँ पे 4 to 5 सेंटीमीटर क्या ओवल इन सेफ विद इन लेंथ कितना होगा 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितना होगा 2 to 3 सेंटीमीटर, एंड इसके बाद 250 कंपार्टमेंट होगा डियर, दैट इज कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स। ओके नेक्स्ट हमारा बात करेंगे डियर इस लॉब्यूल जो कंटेन्स 1 to 3 हाइली क्वाइल, जिसमें हमसे एमनी फेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, यहाँ पे विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड दैट इज एमिनी फेरस ट्यूब्यूल इन लाइन ऑन द इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें से मेल जर्म सेल्स है डियर और सेटोली सेल्स है। अब मेल जर्म सेल्स का काम क्या है और सेटेलो जर्म सेल का काम क्या है, ठीक है ना, मेल जर्म सेल और सेरटोली सेल्स का, ठीक है। मेल जर्म सेल्स होगा यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन बनाएगा, फाइनली किसको करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। जब हमारा सेरटोली सेल्स क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और जर्म सेल टू द जर्म सेल से। रीजन जो होगा आउटसाइड द सेमिनी आपका सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। देन हमारा है डियर यहाँ पे ब्लड वेसल्स कंटेन किसको करेगा, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स, या इंटरस्टिशियल सेल कहिए या फिर लीडिंग सेल्स कहें आप, ठीक है। लीडिंग सेल्स जो है आपका सिंथेसिस एंड सिक्रेट क्या करेगा, टेस्टिक्यूलर हार्मोन दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा डियर, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन किसमें होता है, मेल के लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी मेल के लिए, ठीक है ना। अदर इम्यूनोलॉजिकली का आपका कंपार्टमेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट रहेगा। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, अब एसेसरी डक्ट आ गया डियर, जिसमें हमारा इंक्लूड क्या क्या रहेगा, रेटेड टेस्टिस रहेगा, वेसा इफेंसिया रहेगा, आपका एपिडिडाइमिक्स रहेगा, वेसा आपका डिफरेंस रहेगा, ठीक है, ये सारे इसमें रहेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वेसा आपका इफेंसिया थ्रू रेटेड टेस्टिस, वेसा इफेंसिया जो होगा डियर लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिक्स लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस में। देन हमारा यहाँ पे दिया डियर कि आपका एपिडेमिक्स लीड टू डिफरेंस एसेंट द एब्डोमिन एंड लोब्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट हमारा है कि रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स ओपन इनटू द यूरेथ्रा एंड इजैक्युलेटरी डक्ट्स। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे आपका दिया गया डियर कि हमारा जो भी डक्ट्स रहेगा स्टोर करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस आउटसाइड द थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट करेगा यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सचेंज करेगा थ्रू किससे, पेनिस, और एक्सटर्नल ओपनिंग होगा दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए रही है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ आपका डायग्राम ऑफ देखिएगा सेक्रेशन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, देख पा रहे होंगे आप, एस्पिरेटोमेटर गोनिया, एस्पिरेटोमेटर जोआ, इंटरस्टिशियल सेल्स और सेटोली सेल्स। यहाँ पे बात करेंगे आप मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, इट मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू डेट हेल्प क्या करेगा, इरेक्शंस करेगा ऑफ द पेनिस और फैसिलिट करेगा इनसेमिनेशंस का। इनलार्ज रहेगा एंड ऑफ द पेनिस दैट इज कॉल्ड ग्लेन्स पेनिस कहलाएगा, देखिएगा इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस दैट इज कॉल्ड ग्लेन्स पेनिस, और कवर करेगा बाय लूज फोल्ड ऑफ द स्किन दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मेल एसेसरी ग्लेन्स में क्या है आपका डियर, यहाँ पे इंक्लूड रहेगा पेयर सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड आपका वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ओके इंक्लूड है। लेकिन हमारा सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन, कौन कौन सा मिलेगा ये भी क्वेश्चन पूछा है, फ्रुक्टोज कैल्सियम एंड सर्टेन एंजाइम। यदि एक्सेप्ट में क्वेश्चन आएंगे डियर तो इसमें ग्लूकोज भी दे देगा, तो राइट आंसर ग्लूकोज होगा क्योंकि तीन है यहाँ पे, फ्रुक्टोज कैल्सियम और सर्टेन एंजाइम्स हैं। और सिक्रेशन ऑफ बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सिक्रेशन हो रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का आल्सो हेल्प क्या मदद कर रहा है किसको, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका कंसिस्ट ऑफ प्योर ओवरीज अलोंग विथ योर पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजीना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन में, ठीक है ना। हमारा कहाँ लोकेट रहता है, इस पेल्विस रीजन में। द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विथ योर पेयर ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स
इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। किसको सपोर्ट करेगा? ओव्यूलेशन में फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवरीज जो होगा डियर, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट जिसको ओवम कहते हैं। सेवरल एस्ट्रोइड हार्मोन्स रहेगा जिसमें ओवेरियन हार्मोन रहेगा। और ओवरीज जो आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी जो रहेगा अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ रहेगा एंड कनेक्टेड किसके साथ में रहेगा? पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक है, ईच ओवरी जो कवर बाय थीन एपिथेलियम विच इंक्लोज द ओवरी, ओवेरियन स्ट्रोमा। अस्ट्रोमा इज डिवाइडेड इंटू 2 जोन, कौन कौन सा? पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडियोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा इस डायग्राम दिया गया है जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिएगा ओविडक्ट को हम क्या कहते हैं? फाइलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये यूट्रस वैजिना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, इस फाइलोपियन ट्यूब जो रहेगा अबाउट 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा। एक्सटेंड कर रहा है किसके साथ में? पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। पार्ट ऑफ क्लोज करेगा ओवरी इज फ्यूनल सेफ, जिसको हम कहेंगे इनफंडिबुलम। एंड उसके बाद एज ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड फिमरे कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्प किसको कर रहा? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर कब? ओवुलेशन के बाद। और इनफंडिबुलम जो लीड्स करेगा किसके साथ में? वाइडर पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? एम्पुला। ठीक है ना, हमारा क्या है? एम्पुला। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट में क्या कहलाएगा? स्थमस कहलाएगा। एंड आपका नैरो लुमेन एंड द जॉइंट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो दो एम्पुला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले कहाँ पे? एम्पुला में। ठीक है, उसके बाद स्थमस यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट हमारा यूट्रस इज सिंगल एंड आल्सो कॉल्ड ओम कहलाएगा। यूट्रस जो है सिंगल है एंड इज आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? ओम्ब भी कहते हैं। शेप ऑफ द यूट्रस की शेप कौन सा होता है डियर? इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। यदि इन्वर्टेड ना रहे तो पियर शेप रहेगा। सपोर्ट करेगा लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस ओपन इनटू वेजिना थ्रू नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ सर्विक्स दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे डियर थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यूज। थ्री लेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं, देखिएगा कौन कौन से होता है आपका। फर्स्ट वन इज देखिएगा पेरीमेट्रियम, सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम और थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। जो आपका पेरीमेट्रियम दिया गया है, पेरीमेट्रियम की बात किया जाए तो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। मिडिल थिक लेयर ऑफ अ स्मूथ मसल दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। यानी कि देखिएगा डियर, पेरी मतलब फर्स्ट में जिसमें आपका क्या हो रहा है? थीन हो रहा है, पतली सी है ना। और उसके बाद मायो, मायो में थिक हो रहा है यानी गाढ़ा टाइप में हो रहा है। और लास्ट में इनर में आपकी लास्ट में एंडोमेट्रियम हो रहा है। ठीक है, यहाँ दो चीजें दिया है, बहुत अच्छी सी चीजें ये देखिएगा। एंडोमेट्रियम जो हो रहा है साइक्लिक चेंजेस में काम करता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। और मायोमेट्रियम जो कर रहा है ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है किसको? कॉन्ट्रेक्शंस। कब कॉन्ट्रेक्शंस होती है रियर? ड्यूरिंग डिलीवरी, जब हमारा बेबी की डिलीवरी होती है, बेबी की बर्थ होती है उस टाइम। नेक्स्ट हमारा है डियर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड, जिसमें मोनस पीव्यूक्स आता है, लेबिया मेजोरा आता है उसके बाद, और लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड आपका क्लाइटोरिस। ये 4-5 याद रखिएगा जो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में है। क्वेश्चन आ सकता है डियर, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर अक्सर जिसमें मोनस पीबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और कुछ और आपका एक दे देगा। अब मोनस पीबिक्स में क्या है? क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू रहेगा डियर, इसमें फैटी टिश्यू क्वेश्चन तकिए की तरह क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर किसको करेगा? स्किन को एंड प्यूबिक हेयर। देन उसके लेबिया मेजोरा में क्या होता है? फ्लेसी फोल्ड्स रहेगा डियर टिश्यूज, और एक्सटेंड करेगा डाउन फ्रॉम द मोनस पीबिस सराउंडेड बाय द वेजाइनल ओपनिंग। लेकिन लेबिया मेनोरा आपका क्या है कि पेयर फोल्ड रहेगा टिश्यू का अंडर द लेबिया मेजोरा। ओके, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द वेजिना इज ऑफ्टन कवर पार्शियली मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड हाइमन। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द वेजिना, ठीक है, वेजिना का ओपन हो रहा है और कवर किसको कर रहा है? पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन, पूरा कवर कर दे रहा है पार्शियल मेम्ब्रेन के द्वारा, दैट इज कॉल्ड हाइमन कहलाएगा। और क्लाइटोरिस में क्या होता है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है डियर, लाइज ऑन द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट रहा डियर। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर, देखिए यहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स का आपका क्या डायग्राम है। अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे फंक्शनल मैमरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल मैमल्स।
मेमोरी ग्लैंड्स आर प्योर स्ट्रक्चर्स ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो है दो दो ब्रेस्ट होते हैं, मेमोरी यहाँ पे प्योर स्ट्रक्चर्स की बात किया, ब्रेस्ट की कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसमें क्या होता है, क्या क्या मिला रहता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट में क्या फैट होते हैं ब्रेस्ट में। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 मेमोरी लोब्स होता है। कितना होता है डियर, 15 टू 20, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होगा। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एल्वोलाई। द सेल्स ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट्स क्या करेगा, मिल्क को सीक्रेट करेगा एल्वोलाई, व्हिच स्टोर क्या करेगा कैविटीज जिसमें ल्यूमेन रहेगा ऑफ द एल्वोलाई। एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स और ट्यूबल्स ऑफ इस लोब जॉइंट टू आपका फॉर्म ऑफ मेमोरी डक्ट्स। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइंट टू फ्रॉम द वाइडर मेमोरी एम्पुला व्हिच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट्स थ्रू द व्हिच इज मिल्क इज सक्ड आउट। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, सक करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है ना, फीडिंग करेगा। यहाँ पे देखिएगा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिसमें टेस्टिस मेल एंड ओवरी इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स इन स्पर्म एंड ओवम। मेल एंड फीमेल की बात क्या है, ठीक है ना, मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल, टेस्टिस इन द मेल ओवरी इन द फीमेल में प्रोड्यूस कर रहा गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम। यहाँ पे बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ओके, इमैच्योर मेल जर्म सेल्स जो होगा स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेगा स्पर्म बाय किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। बिंग्स क्या होगा, स्टार्ट होगा उस टाइम क्या होगा डियर, पुबर्टी दौरान स्टार्ट होंगी। स्पर्मेटोगोनिया जो है आपका प्रेजेंट ऑन द इनसाइड द फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई क्या करेगा उस टाइम, माइटोटिक डिविजन होगा डियर, इंक्रीज क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा और ईच स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, डिप्लॉइड होगा एंड कंटेनिंग 46 क्रोमोजोम होगा। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे देखा गया कि आपका मियोसिस के दौरान में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट करके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या करेगा, रिडक्शन डिवीजन जो होगा लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल जिसमें हम हैप्लॉइड कहेंगे सेल्स दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जिसमें हमारा क्या रहेगा, ओनली इसमें 23 क्रोमोजोम ईच होगा। ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस करेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटाइट्स, ठीक है, स्पर्मेटाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है डियर, यहाँ पे देखिएगा कि द स्पर्मेटाइट्स आर द ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा कि स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द आपका सेटोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज करेगा किसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द क्या प्रोसेस से होगा, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिनेशंस। अब आपका आपका आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट द एज ऑफ प्यूबर्टी, कब स्टार्ट होता है हमारे जब प्यूबर्टी के दौरान आ जाते हैं, तो प्यूबर्टी के दौरान ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि आपका किसको, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सीक्रेट, ठीक है ना डियर। इंक्रीज जो होता है लेवल इसकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोफियंस जिसमें से कौन कौन से होते हैं, टू लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड आपका FSH जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये आपका LS एक्ट एज द लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और FSH जो दिया डियर सेटोली सेल्स एंड स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स जिसको मदद करेगा किसको, कौन सी प्रोसेस है, प्रक्रिया में, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रक्रिया में। आई होप आप लोग का समझ में आ रहा होगा डियर, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा डियर, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी थ्योरी की मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। यहाँ पे देखिएगा डियर जो कि आपका फर्स्ट में हमारा देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है किसका, स्पर्म का, जो सबसे पहले आपका हेड नेक मिडिल पेस एंड टेल तक दिया हुआ है। जो सबसे फर्स्ट में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, स्पर्म हेडेड की बात किया, कंटेनर आपका इनोगेटेड है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द विच कवर क्या बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम, ठीक है ना, कैप लाइक स्ट्रक्चर इसको एक्रोजोम है। एक्रोजोम जो होता है फील्ड विद एंजाइम से, किससे फील्ड होता है, एंजाइम के साथ हेल्प क्या करता है किसको, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में हेल्प करता है। द मिडिल पीसेस जो आपका नेक दिया गया प्रोसेस नुमेरस आपका देखिएगा, मिडिल पीसेस ये जो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीसेस प्रोसेस नुमेरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेल, टेल तक मूवमेंट करने के लिए फैसिलिटेटेड स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा डियर, टेल दैट फैसिलिटेटेड स्पर्म मोटिलिटी,
स्पर्म मोर्टेलिटी। एसेंशियल फोर किसके लिए स्टार्ट करेंगे? फर्टिलाइजेशन के लिए। ह्यूमन मेल जो इजैकुलेट करेगा अबाउट 200 to 300 million स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। एटलीस्ट 60% स्पर्म जो रहेगा नॉर्मल शेप का रहेगा, साइज का रहेगा, और 40% जो रहेगा आपका क्या रहेगा, वैगोरस मोर्टेलिटी रहेगा। दोनों याद रखिएगा डियर। अब हमारा स्पर्म जो रिलीज होगा सेमिनस फेरेट ट्यूब्यूल ट्रांसफॉर्म करेगा बाय एक्सेसरी आपका डक्ट से, सिक्रेशन जो होगा एपिडेमाइस एंड वेस डिफेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट एसेंशियल मैचुरेशन एंड मोर्टिलिटी ऑफ स्पर्म्स। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमिन। द फंक्शंस ऑफ द मेल देखिएगा, सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड मेंटेन बाय द टेस्टिक्यूलर हार्मोन जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट जिसको हम कहेंगे ओजेनेसिस, और उसके बाद डिफरेंट फॉर्म ऑफ आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस इनिशिएट ड्यूरिंग द कप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज विद द कपल ऑफ मिलियर गैमेट्स मदर सेल जिसको हम ओगोनिया कहते हैं। फॉर्म क्या होगा? विद इन फिटल ओवरी के साथ मोर ओगोनिया जो रहेगा फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ, या नो मोर ओगोनिया, ठीक है ना, फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ। This cells start division and enter into prophase 1 mutative division में temporarily जो देखा जाए attached the stages that is called primary oocytes कहलाता है। temporarily जो आपका आपका arrested at the stage जो रहेगा that is called primary oocyte कहलाएगा, और primary oocyte then get surrounded by the किसमें किसके surrounded है आपका layer of granulosa cells that is called primary follicle। देन हमारा क्या हो रहा है उसके बाद कि लार्ज नंबर ऑफ जो फॉलिकल्स हो रहा है डिजेनरेट हो रहा है, कब? ड्यूरिंग फेज ऑफ फ्रॉम बर्थ के दौरान प्यूबर्टी, ठीक है ना, टू प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी ओनली देखिएगा 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। द प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ग्रैनुलेसा सेल्स न्यूथिका दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स विल ट्रांसफॉर्म्स इन द टर्शियरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या रहेगा, फ्लूड फील्ड रहेगा कैविटी में दैट इज कॉल्ड एंट्रम कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा थिकर लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू या इनर थिका क्या कहला रहा है, इनर आपका इंटरना कहला रहा है, और आउटर थिका जो रहेगा एक्सटर्ना कहला रहा है, ठीक है ना, इनर थिका इंटरना आउटर थिका एक्सटर्ना। ये इंपॉर्टेंट करता है किसको, अटेंशन ऑफ द स्टेज दैट इज प्राइमरी ओसाइट्स में विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज कंप्लीट करेगा फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। अब अनइक्वल डिवीजन होगा रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट्स। फर्स्ट पोलर बॉडी जो रहेगा इसमें सेकेंडरी ओसाइट्स में क्या होगा, बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रहेगा रिच कितना, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बोन आउट ऑफ द माइटोटिक डिवीजन जिसमें हमारा क्या करेगा, फिर से डिजेनरेट कर जाएगा। ओके अब यहाँ पे आपको क्या हुआ डियर कि द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल ऑफ ग्राफिकियन फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म द मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड जोना पेनिसुला। ग्राफिकियन फॉलिकल जो हो रहा है रप्चर करेगा रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट्स ओवम में फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन कहलाएगा। हमारा ओवुलेशन का पार्ट आ गया जिसमें हमारा मेंसुरेशन साइकिल है। मेंसुरेशन साइकिल जो डियर आपका फीमेल देखिएगा प्राइमेट्स में जैसे कि मंकीज में एप में और ह्यूमन में बींग्स में ही होता है मेंसुरेशन साइकिल। ये आपका जो फर्स्ट टाइम जो होता है स्टार्ट होता है मेनार्की कहलाता है डियर। ये 28 to 29 days के लिए साइकल्स होंगे जो इवेंट्स रहेगा स्टार्टिंग से आपका। ये आपका नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड मेंसुरेशन साइकिल। ओवम इज रिलीज होगा ओवुलेशन कहलाएगा। फिर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डियर कि आपका 3 to 5 days के लिए ये साइकिल जो स्टार्ट होगा मेंसुरेशन फेज व्हेन मेंसुरेशन फ्लो अकर लास्ट 3 to 5 days के लिए होना चाहिए। उसके बाद मेंसुरेशन फ्लो रिजल्ट इन ब्रेक डाउन एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस एंड द ब्लड वेसल्स व्हिच इज लिक्विड आउट कम द थ्रू वेजिना से। मेंसुरेशन ओनली अकर ऑफ रिलीज करेगा ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। लैक ऑफ मेंसुरेशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। देन उसके बाद मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम किसके वजह से अंडरलाइन कॉज है जैसे कि लाइक स्ट्रेस के वजह से पुअर हेल्थ की वजह से ईटीसी। ठीक है अब हमारा यहाँ पे है डियर कि सिक्रेशंस ऑफ देखिएगा गोनाडोट्रोफिया यानी कि एलएच या एफएसएस इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज स्टिमुलेट्स करेगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशंस ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। बोथ एलएच और एफएसएस जो होगा डियर इसमें पिक लेबल इन द मिडल ऑफ साइकिल।
जब हमारा मिड ऑफ साइकिल्स रहेगा तब हमारा क्या एफएसएच और एलएस क्या कहेगा, पिक लेवल रहेगा, वो भी अबाउट 14 डेज में, ठीक है, बीचों बीच में 14 डेज में हमारा एलएच और एफएसएच दोनों क्या रहेगा, पिक लेवल में रहेगा। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएस लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम आपका लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल दैट इज कॉल्ड एलएस सर्ज कहलाता है। यदि आपका रैपिड सिक्रेशन बहुत ही ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है किसका, एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन का, उसको हम क्या कहते हैं डियर, आपका लुटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओबम दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। अब हमारा ओवुलेशन ओवुलेटरी फेज जो होगा फॉलोड बाय लुटियल फेज ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, किसको सिक्रेट कर रही है कॉर्पस लुटियम, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड एंडोमेट्रियम such as endometrium necessary, जिसमें implantation होगा, fertilize, ovum and other event of pregnancy. Pregnancy के दौरान event of the menstruation cycle stop हो जाता है और आपका no menstruation होता है और absence of fertilization होगा, corpus luteum degenerate कर जाएगा उस time, ठीक है ना। corpus luteum क्या होगा, degenerate करेगा और causes disintegrations of the endometrium leading to menstruations, marking a new cycles. तो in human beings में menstruation cycle जो CCS होगा यानी कि absence of menstruation cycle जो 50 years of age में, तो that is called menopause. हमारा starting होगा menarche और बंद होगा तो menopause कहलाएगा, जो कि दोनों चीजें यहाँ पे important दी गई हैं। अब हमारा fertilization और implantation की बात किया जाए। फर्टिलाइजेशन में ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी क्वाइटस सीमन रिलीज बाय पेनिस इनटू द वेजिना, इंसेमिनेशन जिसमें से मोटाइल स्पर्म होगा स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलेटरी रीजन में, कहाँ जाएगा आपका एम्पुलर रीजन में ऑफ द फाइलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ द एम्पुलरी रीजन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर ऑफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड आपका साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन, ठीक है। तो ये चीजें आपका रहा। फिर आपका यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन आपको बहुत सिंपल लग रहा है कि प्रोसेस किसकी हो रही है, फ्यूजन ऑफ योर स्पर्म एंड किसके साथ में, ओवम के साथ में, तो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलोसिडा लेयर जिसमें ऑफ द ओवम, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखा जाए जब हमारा द कंप्लीट होगा कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट में, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो होगा ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स रहेगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेकेंड पोलर बॉडी जिसमें आपका हैप्लॉइड रहेगा ओवम, ठीक है, और डिप्लॉइड क्या जायगोट। अब यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि एक्स एक्स से फीमेल होता है, एक्स वाई से मेल होता है, ठीक है ना। एक्सेस यहाँ पे फीमेल एक्स वाई मेल जो आपका हैप्लॉइड रहेगा गैमेट्स ओवा एंड आपका फीमेल हैव या सेक्स क्रोमोजोम जो कि आपका स्पर्म की बात किया, मेल गैमेट्स की बात किया, क्रोमोजोम एक्स वाई मिलेगा तो बॉय होगा, एक्सेस मिलेगा तो गर्ल्स होगा। यहाँ पे सेम चीजें यहाँ पे लिखा हुआ। मियोटिक डिवीजन में आपका क्या आइडिया कि जायगोट मूव थ्रू द स्थमस ओविडक्ट दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। यहाँ पे जब मायोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा जायगोट में, अब मूव करेगा थ्रू किसका स्थमस दैट इज कॉल्ड क्लीवेज कहलाएगा एंड फॉर्म देखिएगा ये क्या हो रहा है डॉटर सेल्स दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। इसमें एम्ब्रियो विद 8 to 16 यहाँ पे है आपका ब्लास्टोमियर्स दैट इज कॉल्ड मोरियोला। मोरियोला जो क्या करेगा कंटिन्यूस टू द डिवाइडेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द ब्लास्टोसिट्स एंड मूव करेगा फर्दर इंटू द यूट्रस। ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोसाइट्स एरेंज इंटू द आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट किसे कहेंगे कि ब्लास्टोमेयर्स इनटू द ब्लास्टोसिट्स अरेंज कर रहे किसको इनटू एन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट दैट इज कॉल्ड इनर सेल मास। ओके, ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल्स मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एट द एम्ब्रियो। After attachment, uterine cells divided rapidly and cover the blastocysts. Blastocysts become embedded in the endometrium of the uterus. That is called implantations or आपका leads to pregnancy. Okay? अब हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ गया, यानी कि आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा अपीयर देन ट्रोफोप्लास्ट दैट इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। ये भी क्वेश्चंस में आते हैं। यूट्राइन टिश्यू यहाँ पे दिया हुआ कि मैटर्नल ब्लड, ठीक है ना, किसके सराउंडेड में, यूट्राइन टिश्यू एंड मैटर्नल ब्लड। अब कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम एंटी देखिएगा इंटर डिजिटेटेड विथ ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो जिसको फ्यूटस होगा मैटर्नल बॉडी दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा कहलाएगा।
अब यहाँ प्लेसेंटा जो फैसिलिटेटर सप्लाई क्या करेगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, अल्सो रिमूव किसको करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सक्रीट किसको करेगा वेस्ट मटेरियल को, प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो, प्लेसेंटा कनेक्टेड द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड टू द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, प्लेसेंटा जो अल्सो एक्ट इन द एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस करेगा सेवरल हार्मोन जैसे कि आपका एसएजी हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और आपका लेटर उसके बाद क्या होगा फेज में प्रेगनेंसी के बाद रिलैक्सिंग हार्मोन होगा। ये सारे जो हार्मोन है डियर जैसे हमारा एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिंग हार्मोन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान दिखेगा, प्रेगनेंसी के बाद एडिशन में देखा गया एडिशन जो होता है उसके बाद इन एडिशन में उनके साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन कौन कौन से रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रहेगा, कॉर्टिसोल रहेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन रहेगा, थायरोक्सिन रहेगा, यानी कि इनके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है डियर, यहाँ पे इंक्रीज सेवरल फोर्स इन मैटरनल ब्लड, इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन, एसेंशियल फोर्स आपका सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और इमीडिएटली क्या होगा आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल्स होगा मास डिफरेंशिएट करेगा इनटू द आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म कहलाएगा, इनर लेयर रहेगा दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म कहलाएगा, मीजोडर्म यानी कि अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीजोडर्म कहलाएगा, दिस थ्री लेयर ऑफ फ्रेजेज टू टिश्यू ऑर्गेन्स एंड अडल्ट में। अब हमारा यहाँ पे आया स्टीम किसे कहेंगे, इट इज द नीड मेंशंस जो आपका दिया है कि इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स में, इनर सेल मास जो होगा कंटेन मिला हुआ रहेगा सर्टेन सेल दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल्स कहलाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स में, ठीक है ना, हमारा जो ह्यूमन की प्रेगनेंसी कितना 9 मंथ्स होती है, 9 मंथ्स प्लस 7 डेज होते हैं डियर। इसमें सबसे पहले बात किया हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट, कैट्स, डॉग्स में 60 to 65 डेज आई थिंक, और एलिफेंट्स में 600 to 650 कुछ ऐसा, ठीक है ना, ये चीजें है हमारा ह्यूमन की बात किया, 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात किया जाए ह्यूमन में। एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म, हार्ट क्या फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुली, आप सुन सकते हैं किसके स्टेथोस्कोप लगाकर, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ में देखा जाए प्रेगनेंसी का तो क्या डेवलप हो रहा है लिम्स एंड डिजिट्स, बाय द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 3 ट्राइमेस्टर होता है डियर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गेन सिस्टम देखा गया आर फॉर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल में लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गेन्स एज आपका आर वेल डेवलप, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फ्यूटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व किया जाएगा ड्यूरिंग द 5th मंथ में, कब 5वां महीना में, एंड एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक्स में देखा गया है डियर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कि बॉडी कवर रहेगा विद फाइन हेयर के साथ, आई लिड सेपरेट हो जाएगा, आई लेस हो जाएगा, फॉर्म बनने लगेगा ये सब, और 9 मंथ में क्या होगा प्रेगनेंसी का फिटस इज फुल्ली डेवलप हो जाएगा और लास्ट में बच्चा क्या होगा डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन यानी कि बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच डेट इज कॉल्ड गैस्ट्रेशन कहलाता है, गैस्ट्रेशन पीरियड कब होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और वैगोरस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्सन ऑफ डिलीवरी ऑफ फ्यूटस। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फ्यूटस चाइल्ड बर्थ दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन कहलाएगा, पार्चुरेशन जो होता है डियर इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, द सिग्नल्स फॉर ऑफ द ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फ्यूटस ऑफ द प्लेसेंटा एंड विच इंक्लूड यहाँ पे इंड्यूस्ड मिड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन दैट इज कॉल्ड फ्यूटल आपका इजेक्शन रिफ्लेक्स। यहाँ पे देखिएगा डियर ये आपका ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोक्सिन फॉर्म ऑफ मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोक्सिन एज अ मसल्स यूट्राइन मसल एंड कॉजेज अ स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, ऑक्सीटोक्सिन जो हार्मोन होना क्या करेगा डियर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, ये आपका क्या हो रहा है इसमें कि हमारा स्टिमुलेंट रिलैक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ऑक्सीटोक्सिन सिक्रेशन कंटिन्यूड रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन होगा, लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी यानी कि बेबी को आउट होने में बाहर आने में यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल पार्चुरेशन सून आफ्टर द डिलीवरी उसके बाद होगा, देन उसके बाद यू वॉट द जो भी है डॉक्टर के दौरान वहां पे सारे सजेस्ट किया जाता है। ठीक है ना कि क्या करना है, मैमरी ग्लैंड फीमेल अंडर गो डिफ्रेंसिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन कहलाएगा, अब हमारा जब प्रेगनेंसी एंड हो गई जब बच्चा डिलीवर हो गया तो लैक्टेशन के पीरियड में आएगा तो मदर को क्या करना है फीडिंग करवाएगा न्यू बॉर्न बेबी को, मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज यानी 2 से 3 दिन के लिए जो होते हैं डियर वो क्लोस्ट्रोम कहलाता है, उसको हम क्या गाढ़ा पीला दूध कहते हैं यानी कि एलो थिकस
मिल्क होता है, एलोइस थिक मिल्क होती है जिसको हम कोलेस्ट्रोम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये एंटीबॉडीज जो होता है IgA एंटीबॉडीज होता है, IgA होता है, ठीक है। एंड हमारा क्या होगा उसके बाद डॉक्टर के सजेस्ट से फिर उसका जो भी ब्रिंगिंग अप द हेल्थ बेबी, हेल्दी बेबी, ठीक है। ये था आज की वीडियो डियर, आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेंगे डियर, ताकि आप कमेंट करेंगे तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी शॉर्ट में। थैंक यू।